जो पूरा आपने बताया कि एक सेकंड में एक कनेक्शन बन रहा है, तो इतनी तेजी से जो ये सारा कुछ हो रहा है उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं और कितनी मतलब लोगों को सुविधाएं मिल रही है? जल जीवन मिशन जब 15 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की तो पूरे भारतवर्ष में 3.25 करोड़ से भी कम घर थे जिनको स्वच्छ पेयजल अपने घर में मिल रहा, और आज हमने उस आंकड़े में 9 करोड़ और घर शामिल कर दिए हैं और आज की गिनती हमारी इस तरह से है कि 12 करोड़ 30 लाख के करीब लोगों को ये मिल रही है सुविधा, और 12 करोड़ 23 लाख और उसके हम जान सकते हैं कि हर घर में तकरीबन 4 से 5 होते हैं सदस्य, तो जितने लोग प्रभावित हो रहे हैं वो कई देशों की पूरी पूरी जनसंख्या से ज़्यादा है। हमें यह भी बहुत खुशी है कि जो काम चल रहा है सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इतनी तीव्र प्रगति हो रही है कि अगर हम इसी साल के बारे में बात करें साल 2023 में तो प्रति सेकंड कहीं ना कहीं भारतवर्ष में एक नए घर को हर सेकंड एक जल कनेक्शन जेजेएम से प्राप्त हो रहा है। यही प्रगति चलती रहेगी हमें पूरी उम्मीद है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने काम समाप्त कर लिया है और बहुत से राज्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी राज्य आज एक तिहाई से कम पे नहीं है, जबकि मिशन की शुरुआत में पूरे देश भर का जो एवरेज आंकड़ा था वो 16.5% के लगभग था, तो और हमें आज ये बहुत खुशी हुई है। हम जानते थे कि इस मिशन के आगे बढ़ने से लोगों की सेहत अच्छी होगी, उन्हें आर्थिक इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा और ख़ास तौर पर महिलाओं पे इसको जो पानी को लाने का जो उनको समय लगता था और जो मेहनत लगती थी उस बोझ से छुटकारा मिलेगा। लेकिन आज WHO की इस ग्लोबल टीम ने जो पूरा अपना मॉडल से पूरा असेसमेंट करी है इतनी डिटेल में, इतनी साइंटिफिक उन्होंने असेसमेंट करके बताया है कि इतनी जानें बचेंगी, और वो केवल डायरिया से उन्होंने असेस किया है और इसके अलावा जो फ्लोराइड और आर्सेनिक का प्रभाव था, और जो जबकि आज हम जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी ऐसी बस्ती नहीं है जहां लोगों को मजबूर होना पड़े आर्सेनिक और फ्लोराइड का पानी पीने से, इसी तरह हम जानते हैं कि स्कूलों और आंगनबाड़ियों में कितनी तेज़ी से स्कूलों और आंगनबाड़ियों में पानी शुद्ध पानी का प्रावधान किया गया है। तो इस सारे के चलते हमें उम्मीद है कि WHO की स्टडी से हमारी जो ज़मीनी स्तर पर जो हमारी टीमें काम कर रही हैं वो और प्रोत्साहित होंगी और जो हमारे लोग जिनको ये सुविधा मिल रही है वो इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि इस सुविधा को वो अपने एक रिसोर्स समझ के, वाटर सप्लाई स्कीम को अपनी ही स्कीम समझ के उसको आगे निरंतर चलते रखेंगे और शुद्ध पानी सही मात्रा में प्राप्त करते रहेंगे, हर घर में जाता रहेगा, ये हमारी उम्मीद है। थैंक यू।